गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर? माय शैडो। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं पहले। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। तो हर आदमी की क्या होती है? अपनी एक शैडो होती है। लेकिन शैडो होने के लिए क्या होनी चाहिए? धूप या लाइट। लाइट होनी चाहिए, मतलब अगर जब लाइट होगी तभी हमारी क्या आ सकती है? शैडो आ सकती है या परछाई आ सकती है। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो ऑथर है हमारे, ऑथर बोल रहे हैं आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। तो वो बोल रहे हैं कि मेरी क्या है, एक छोटी परछाई है जो कि मेरे ही साथ इधर उधर चलती रहती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। अब वो बोल रहे हैं व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम, अब वो बोल रहे हैं उस परछाई के लिए कि उसका क्या यूज हो सकता है, मोर देन आई कैन सी, और जो कि मुझसे भी ज्यादा क्या हो सकती है, देख सकती है और समझ सकती है। He is very very like me from the heels up to the head. वो क्या है? बिल्कुल मेरी ही तरह है, कहाँ से लेके कहाँ तक? ऊपर से लेके नीचे तक। Heels का मतलब होता है एड़ी, और एड़ी से लेके और सर तक मेरी ही जैसी ही है वो। क्या? शैडो। And I see him jump before me when I jump into my bed. और वो क्या होती है, जो परछाई होती है वो मुझसे भी पहले, अगर मैं जब बेड में जंप करता हूँ तो वो परछाई मुझसे पहले ही क्या हो जाती है, बेड में लेट जाती है और जंप कर जाती है बेड के ऊपर। ठीक है, समझ गए? यस सर। अब देखो, द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो। अब उसमें वो बोल रहे हैं जो परछाई है, उस परछाई में सबसे जो फनीएस्ट चीज है, मतलब सबसे जो हंसाने वाली चीज है, वो क्या है कि वो मेरी ही तरह ग्रो होती है। मतलब अगर मैं बढ़ता हूँ तो वो भी बढ़ती है, अगर मैं घटता हूँ तो वो भी घट जाती है। Not at all like proper children, which is always very slow. और वो छोटे बच्चों की तरह नहीं है जो कि बहुत धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। For he sometimes shoots up taller like an India rubber ball. और कभी कभी तो क्या होती है कि जो परछाई होती है इतनी लंबी हो जाती है, जैसे रबड़ की बॉल होती है ना हमारी, yes, तो रबड़ की बॉल को अगर आप एक टप्पा मारोगे तो बहुत ऊपर तक उछल जाती है। yes, कुछ कुछ बॉल्स ऐसी होती है ना, एक जो छोटी सी बॉल होती है वो बहुत उछलती है जो। ठीक है, तो वो बोलती है कि कभी कभी जो परछाई होती है वो इतनी लंबी हो जाती है कि वो रबड़ की बॉल की तरह क्या होती है, लंबी हो जाती है, उछल जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी वो इतनी छोटी हो जाती है कि बिल्कुल बहुत ही छोटी हो जाती है, दिखती ही नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, जो सूरज होता है, सूरज क्या होता रहता है, ढलता रहता है, तो हमारी परछाई क्या होती रहती है, छोटी होती रहती है। और जब मॉर्निंग में जब सनराइज होता है तो हमारी परछाई क्या होती है, बहुत ही लंबी होती है, सबसे लंबी। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। अब एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह जब मैं क्या हुआ, सनराइज से पहले ही उठ गया, मतलब तब तक सूरज नहीं निकला, उगा था, उससे पहले ही मैं उठ गया। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। अब बटरकप यहाँ पर किसके लिए लिखा है, फ्लावर के लिए लिखा है बटरकप, जैसे गेंदे के फूल होते हैं ना, गेंदे के फूल होते हैं येलो येलो। तो वो बोल रहे हैं कि आई रोज एंड फाउंड, जब मैं उठा तो मैंने पाया कि जो ड्यू मतलब होता है ओस, ओस की बूंदे होती है सुबह सुबह गिरी हुई घास पे, बाहर फूलों पे, पत्तों पे। तो वो जो ओस की बूंदे थे वो क्या थी, सारे जो फूल थे जो पीले वाले कलर के जो फूल होते हैं हमारे, उन फूलों के ऊपर क्या थी, वो ओस की बूंदे दिख रही थी। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन अरंट स्लीपी हेड। लेकिन जो मेरी जो शैडो थी वो तब भी क्या हो रखी थी, अभी भी क्या थी, सोई हुई थी, एक बेवकूफ की तरह क्या हो रखी थी, सोई हुई थी। क्यों सोई रही होगी वो? वेरी गुड, क्योंकि अभी तक सनराइज हुआ ही नहीं था। He stayed at home behind me and I was fast asleep in bed. ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं कि वो क्या है, वो परछाई जो थी वो घर में ही क्या हुआ है, अभी भी सोई हुई है, और मुझसे पहले ही वो परछाई, और जब रात होती है तो वो मुझसे पहले ही क्या हो जाती है, सो जाती है। मैं तो सो जाता हूँ और वो मुझसे भी पहले ही सो जाती है, क्योंकि जैसे ही मैं बेड पर कूदता हूँ वो मुझसे पहले ही क्या हो जाती है, बेड पर कूद जाती है। क्लियर है? Yes, समझ आया? Yes, sir. कौन है ऑथर? ऑथर रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। ठीक है, रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन है इसके राइटर। अब देखो कौन कौन से न्यू वर्ड्स आए हैं इस पोएम में। एक तो देखो इंडिया रबर बॉल आया है, ठीक है, ये तो आपको पता है। yes, एक रबड़ की बॉल होती है जिससे हम खेलते हैं। बटरकप, येलो फ्लावर, ठीक है, वो एक गेंदे का फूल। अरांट मतलब बैट, बैट मतलब बुरा। अरांट स्लीपी हेड कंप्लीटली इन अटेंटिव, मतलब जो कि बिल्कुल भी, जैसे कुत्ता होता है ना, जैसे
कुत्ता सोया हुआ है, आप थोड़ा सा भी कुछ आवाज करोगे तो कुत्ता क्या हो जाता है, तुरंत ही तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि आप कहीं भी जाते रहो आते रहो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही सोए रहेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे हम, वो इनअटेंटिव लोग हैं या इनअटेंटिव जानवर है। कई बार जैसे हम भी हैं, कई सारे लोग क्या होते हैं कि जैसे भी कुछ भी थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो तुरंत उठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुम कुछ भी कर लो वो सोते ही रहते हैं, तो ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इनअटेंटिव। और जो लोग तुरंत उठ जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, अटेंटिव। क्लियर है? यस सर।